हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू चेंज प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ए रास्टर इन आरजीआईएस, कि कैसे हम अपनी जो है एक फाइल जो है रास्टर फाइल उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। लाइक इसमें ये है कि हमारी एक फाइल जो है वो अगर ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो हम उसको प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे। अब इसमें ये होता है कि दो तरह की फाइल जो होती है, एक होती है हमारे पास रास्टर फाइल और एक होती है वेक्टर फाइल। आज की वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वो है रास्टर फाइल के जो को कैसे चेंज करना है प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ठीक है, सो चलते हैं आज ये इसकी जानिब और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे। सो जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है हमारे पास ये दो फाइल्स हैं, एक है 2010 वाली मोजैक वाली और एक है 1990 मोजैक वाली। 2010 मोजैक वाली फाइल के अंदर मैं आपको की प्रॉपर्टी में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग ने आ जाना है सोर्स में, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे स्पेशल रेफरेंस जो है वो WGIS 1984 UTM जोन 43 आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसकी प्रॉपर्टी में आप आते हैं, इसमें स्पेशल रेफरेंस में आपको WGS 1984 ये हमारे पास ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली फाइल है, तो हमने इसको भी इसी में कन्वर्ट करना है, लाइक प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके आना है। ठीक है, UTM जोन 43 में, तो हमने इसको कैसे करना है वो ये है कि आपने ऊपर आपको आर्क टूल बॉक्स नजर आ रहा है रेड कलर का बॉक्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, सिस्टम थोड़ा सा स्लो होता है समटाइम, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम जो है ले सकता है ये। अच्छा गाइस, जहाँ पे आपने जब आना है तो डाटा मैनेजमेंट टूल के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। डाटा मैनेजमेंट टूल के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट पे आपको नज़र आ रहा है रास्टर फाइल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने प्रोजेक्ट रास्टर के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। एक तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, दूसरा अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आएगी तो आप लोगों ने सर्च के ऊपर सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्रोजेक्ट रास्टर या रास्टर टू प्रोजेक्ट लिख लें, जो भी लिखेंगे आप लोग यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं इसको, जहाँ से मर्जी आप ओपन करना चाहें कर सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे इनपुट रास्टर फाइल का कह रहा है तो यहाँ पे वो वाली फाइल ऐड करनी है जिसके कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैं 1990 जो फाइल है जो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सिस्टम स्लो होने की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आउटपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने आना है तो पहले जो है वो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है WGS 1984 वाले, इसके ऊपर तो मुझे प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम करने है इसके ऊपर सेलेक्ट, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा वर्ल्ड। UTM में WGS 1984 और यहाँ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले हमने सेलेक्ट कर लेने हैं, अपने एरिया का जो भी हमारे जोन के हैं वो हमने सेलेक्ट कर लेने हैं। तो यहाँ से WGS 1984 UTM जोन 43 एंड हमने नॉर्थ नॉर्दर्न जो है वो सेलेक्ट कर लेने हैं। ओके किया, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली ओके कर देना है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, उसके बाद जो है यहाँ पे फाइल क्रिएट होके आपके सामने आ जाएगी और अब उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे हमने प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज किए इसको। अच्छा गाइस, यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे ये प्रोजेक्टिव रास्टर वाली जो फाइल है क्रिएट होके आ गया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो ऊपर फाइल क्रिएट होके आ गया इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाके सोर्स पे आना है और यहाँ पे आपने स्पेशल रेफरेंस देखना है। तो यहाँ पे आप देखिए
जो एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हमारे पास WGS 1984 UTM जोन 43 इसके भी ये आ गए हैं, और 2010 की जो फाइल है इसमें भी प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी है। तो अब ये दोनों फाइल्स के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सेम हो गए हैं, हम नीचे वाली फाइल को जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज किया। सो सिंपली आप एक दो क्लिक के ऊपर अपने प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी हो तो वो भी हो सकती है, एक फाइल के से दूसरी फाइल में भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को। सो फिलहाल मैंने आप लोगों को प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने का तरीकाकार बताया है रास्टर फाइल में जो है, ठीक है। सो गाइज, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना ही करना है, सो वो भूलिएगा नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।